इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक रैखिक समीकरण 2x plus 3y minus 8 equals 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। तो यहाँ पर हमें एक रैखिक समीकरण दिया गया है, हमें दूसरा रैखिक समीकरण लिखना है और वो रैखिक समीकरण इस प्रकार होना चाहिए, उसका ज्यामिति निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखा, यानी हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलना चाहिए, फिर समांतर रेखाएं मिलना चाहिए और समपाती रेखाएं मिलना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है यहाँ पर जो हमें समीकरण दिया है उसको लिख लिया हमने 2x plus 3y minus 8 equal 0। अब हमें जो पहली कंडीशन चाहिए है वो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, मतलब हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं चाहिए। इस समीकरण के साथ दूसरा जो समीकरण युग्म मिलेगा उसमें हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलना चाहिए, वो समीकरण युग्म इस प्रकार का होना चाहिए। तो यहां पर हम लिखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए आप कंडीशन जानते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हमें कंडीशन क्या मिलती है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2, है ना, यही कंडीशन होती है। अब इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक दूसरा समीकरण यहां पर लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, ये हम यहां पर रफ वर्क में कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे करेंगे। ये जो हमें समीकरण दिया गया है इससे हम a1, b1 और c1 पता कर लेंगे। तो देखिए a1 2 हो जाएगा, b1 यहां से 3 हो जाएगा और c1 माइनस 8 हो जाएगा। अब हमें चाहिए दूसरे समीकरण के लिए a2, b2 और c2, है ना। तो देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, मतलब इनका जो अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कोई भी ऐसे रैंडमली कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस इस तरह से लेंगे कि जो a1 अपॉन a2 आएगा और जो b1 अपॉन b2 आएगा उनका जो अनुपात है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 4 ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए हमने 5 ले लिया, तो इसका अनुपात क्या आएगा, 2/4 और यहाँ आएगा 3/5। तो देखिए 2/4 और 3/5 ये आपस में बराबर नहीं है ना। हमें C1 C2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम C2 को तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इनका अनुपात बराबर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अनुपात बराबर नहीं है, मतलब हम यहाँ पर A2 4 ले सकते हैं और B2 5 ले सकते हैं। तो जो हमारा समीकरण बनेगा वो क्या बन जाएगा, 4x plus 5y और ये हमने C2 लिया है 5। तो यहां से ये हमारा जो समीकरण है ये इस तरह का समीकरण है कि इस समीकरण युग्म के साथ में हमें अगर ज्यामिति ग्राफ खींचा जाए इसका तो हमें यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन का। अब इसमें दूसरा है, हमें समांतर रेखाएं पता करनी है। तो देखिए समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए, अब समांतर रेखाओं के लिए भी हम कंडीशन जानते हैं क्या होती है, a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होता है, ये होती है कंडीशन। तो अब इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोई दूसरा मान लेने वाले हैं। देखिए हमें चाहिए a2 b2 और c2 के मान, तो यहां से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये तो बराबर आने चाहिए, तो क्या करें, हमें इनका अनुपात चाहिए है बराबर, तो हम 2 का डबल कर देते हैं, 2 × 4, 3 × 6। तो देखिए यहां से क्या आएगा, 2/4 और 3/6, और C2 का मान जो है वो C1 अपॉन C2 तो बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 5 ले लिया, अब इसका जो अनुपात आएगा वो −8/5 आएगा। अब इसका देखते हैं कट करके अनुपात कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और ये तो कटेगा नहीं, तो क्या आया, 1/2, 1/2 −8/5, तो ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पर
इसका डबल ट्रिपल कुछ भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों में, इन दोनों में आप किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए और यहां पर रखिए, मतलब जिस भी संख्या का गुणा करेंगे उसी का बी1 में भी गुणा करना होगा, ठीक है, तभी अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास में जो A2, B2, C2 है इनके मान आ चुके हैं, तो जो हमारा समीकरण आएगा वो आ जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये होगा समीकरण जिसमें हमें समांतर रेखाएं मिलेंगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर संपाती रेखाओं की कंडीशन भी देखना है, तो देखिए संपाती रेखाओं के लिए भी कंडीशन देख लेते हैं। ये कंडीशन तो बहुत ही आसान है संपाती रेखाओं के लिए, इसमें आप जानते हैं इसमें क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं, तीनों का जो अनुपात है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये तीनों ही बराबर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निकालेंगे, तो देखिए इसके आगे का पार्ट मैं यहाँ पर कर दूंगी, ठीक है, ये हमारा रफ वर्क वाला पोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इनका अनुपात बराबर चाहिए, तो देखिए इनके अनुपात को बराबर करना है, तो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर A1 और B1 इन दोनों बस में किसी भी संख्या का गुणा किया था, जैसे यहाँ पर 2 का गुणा किया था, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी गुणा कर देंगे, C1 में भी गुणा कर देंगे। तो देखिए हमने क्या किया था, इसमें 2 का गुणा किया, इसमें भी 2 का गुणा कर दिया और इसमें भी 2 का गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। तो ये जब इनका अनुपात निकालेंगे, ये 2 हटा दीजिए यहां से, अब इनका अनुपात निकालेंगे तो 2/4, 3/6 और ये -8/-16। अनुपात देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अनुपात क्या निकाल आया, 1/2, 1/2, 1/2। तो ये देखिए तीनों अनुपात हमारे बराबर आ गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, A1, B1, C1 में किसी भी संख्या का गुणा कर देंगे, ठीक है ना, तीनों में एक ही तरह की संख्या का गुणा करेंगे और जब अनुपात निकालेंगे तो वो अनुपात बराबर आएंगे। तो यहां से हमें A2, B2 और C2 के मान इस कंडीशन के लिए पता चल गए। तो जो हमारा समीकरण हो जाएगा वो होगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल 0। ये हमारा संपाती रेखाओं की कंडीशन के लिए समीकरण मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने किया है, ये आपका रफ वर्क में काम था, बहुत ही आसान था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस हमें यहाँ पर केवल कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना है और उस तरह से हम A2, B2 और C2 के मान निकाल करके समीकरण में रख देंगे, यहाँ पर समीकरण बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल का पटल को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें 2 समीकरण युग्म दिए गए हैं, हमें सबसे पहले उसका ग्राफ खींचना है। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें यहाँ पर x अक्ष और उसके साथ में यहाँ पर x अक्ष के साथ में एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है, उस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और जो त्रिभुज वाला भाग होगा उसको छायांकित यानी उस पर शेडेड करना है, उस पर लाइनिंग खींचना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ग्राफ खींचना तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है हमें जो भी समीकरण युग्म दिए हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण इसको 2 मान लिया। अब क्या करते हैं, हम x और y के मान मान करके इस ग्राफ के लिए इन समीकरणों के बिंदु प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 1 से सबसे पहले यहां पर हम टेबल बना लें, अब हम समीकरण 1 में x का कोई मान रखेंगे और y का मान पता करेंगे। तो देखिए x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर जो समीकरण है x का मान 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 ये मिलेगा। अब यहां से ये 0 तो हट गया, ये जो y है
ये माइनस का है और इस प्लस को जब इस तरफ ले गए तो ये माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया, एक। तो जब x बराबर जीरो तब y बराबर एक, ये हमने अभी निकाला। अब x का मान यहाँ पर कुछ और रखते हैं, एक रखा जैसे, तो x का मान एक रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक माइनस वाई यहाँ पर प्लस में एक बराबर जीरो। ये प्लस का एक, ये प्लस का एक जुड़ जाएगा तो ये माइनस वाई प्लस दो बराबर जीरो। यहाँ पर ये माइनस वाई ऐसे ही रख दिया और ये जो प्लस का दो है इसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस से माइनस यहां से कैंसिल हो गया तो वाई बराबर दो निकल के आया। तो इस तरह से समीकरण एक के लिए हमने बिंदु निकाल लिए हैं। अब समीकरण दो के लिए निकालेंगे। अब देखिए समीकरण दो में हम x बराबर जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर जीरो रखेंगे तो तीन गुणा जीरो प्लस यहां पर दो वाई माइनस बारह बराबर जीरो, ये मिलेगा। अब यहां से तीन गुणा जीरो मतलब ये तो जीरो हो गया, प्लस का दो वाई, ये जो बारह है माइनस का इसको हम बराबर की इस तरफ ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो गया। तो यहां से ये दो जो है वाई के साथ गुणा कर रहा है, जब ये बराबर की इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, दो छक्का बारह, तो यहां से वाई बराबर क्या आ गया, छ। इस तरह से अब यहां पर अगर हम एक्स बराबर एक रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तीन गुणा एक प्लस दो वाई माइनस बारह बराबर जीरो। तो यहां से तीन एकम तीन प्लस दो वाई माइनस बारह बराबर जीरो। ये देखिए दो वाई तो ऐसे ही लिख दिया, ये माइनस का बारह है और ये प्लस का तीन है, विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटती हैं, तो बारह में से तीन जाएगा तो नौ बचेगा और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। अब ये नौ जब बराबर की इस तरफ आएगा तो ये इस तरफ प्लस का, ये दो वाई, अब ये y के साथ में गुणा कर रहा है दो तो इस तरफ आकर भाग करेगा। अब देखिए दो से नौ तो भाग जाएगा नहीं तो यहां पर हम एक नहीं रखेंगे, ठीक है, कोई दूसरा मान दो रख के देखते हैं। तो अगर दो रखें तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर तीन दूनी छह हो जाएगा और यहां पर देखिए अब बारह में से छह जाएंगी तो छह बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का। अब ये जो छह है ये प्लस का इस तरफ हो जाएगा आकर के, यहां से छह बटे दो, दो त्रिक छह, ये डिवाइड हो गया है ना। तो हम यहाँ पर y बराबर x बराबर दो रखेंगे तो हमें y बराबर तीन मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पर दोनों समीकरणों के लिए बिंदु निकाल लिए हैं। अब हम ग्राफ देखेंगे तो देखिए x बराबर जीरो तब y बराबर एक, x एक्सिस पे जीरो y बराबर एक मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा, x बराबर एक y बराबर दो, x बराबर एक तब y बराबर दो, लगभग ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, इस बिंदु का नाम होगा जीरो एक और इस बिंदु का नाम होगा एक दो। अब नीचे वाले समीकरण के लिए देखते हैं, x बराबर जीरो तब y बराबर छह, x बराबर जीरो ये रहेगा और छह यहां मिलेगा हमें, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ये जीरो छह हो गया। अगला है x बराबर दो y बराबर तीन, x बराबर दो y बराबर तीन मतलब यहां पर पॉइंट मिलेगा, हाँ यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा दो और तीन। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे और मिलाने पर देखते हैं हमें किस तरह का त्रिभुज मिलेगा। तो जब हमने इन पॉइंट्स को मिलाया तो हमें ये यहाँ पर इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल रही हैं जो एक दूसरे को दो और तीन इस बिंदु पर कट कर रही हैं, ठीक है। अब हमसे कहा गया था, ये हमने ग्राफ खींच दिया, अब देखिए क्या कहा गया था कि एक एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो रेखाएं हैं ये दोनों रेखाएं और एक्स अक्ष ये है, इस एक्स अक्ष और इन रेखाओं के साथ जो त्रिभुज बना हुआ है ये देखिए आप यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक हमें बताने हैं, तो निर्देशांक मतलब ये जो पॉइंट है तीनों कॉर्नर इसके निर्देशांक बताने हैं। तो देखिए इसका जो निर्देशांक है वो तो दो तीन हो जाएगा, इसका क्या होगा, तो देखिए एक्स चार है और y जीरो, यहाँ पर x माइनस एक है और y जीरो है। तो ये तीन निर्देशांक हमें जो मिले हैं यहाँ पर हम लिख देंगे प्राप्त त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक
क्या क्या है? देखिए दो तीन है, माइनस एक जीरो है और चार जीरो है। ये हमें निर्देशांक प्राप्त हुए हैं। अब कहा गया था कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मतलब ये जो त्रिभुज है इसको हमें इस तरह से सैडेड भी करना है ताकि ये अलग से दिखने लगे। ठीक है, तो ये अब आप समझ गए होंगे। यहां पर हमें क्या क्या कहा था, हमें पहले ग्राफ खींचना था, फिर ग्राफ से प्राप्त जो रेखाएं हैं और एक्स अक्ष है उनके बीच में जो त्रिभुज बन रहा था उसके शीर्षों के निर्देशांक हमें बताने थे, तो ये हमने बता दिए। फिर कहा था कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, तो ये हमने यहाँ पर छायांकित करके भी दिखा दिया है। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको 3.1 और 3.2 के किसी भी क्वेश्चन को समझना है तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है चैप्टर नंबर 3। आप उसकी प्लेलिस्ट से जाकर के किसी भी क्वेश्चन को विद एग्जांपल्स भी मैंने समझाए हैं दोनों एक्सरसाइजेस के, तो आप एग्जांपल्स को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के लिए प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं, तो हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, कैसे हम क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे वो समझेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।